रत्न मार्ग स्थित तो उप मुख्यमंत्री का बंगला कल खाली कर दिया, लेकिन बंगला खाली होने के साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री के नेता सम्राट चौधरी को वो बंगला आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी दशहरा बाद उस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। सम्राट चौधरी के निजी सहायक और बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया लेकिन कीमती सामान को उखाड़ कर ले गए। नए सोफे को यहां से ले जाया गया और कबाड़ से लाकर पुराने और जर्जर सोफे को यहां रख दिया गया। इसके अलावा एसी भी उखाड़ ली गई और कबाड़ से लाकर पुराने एसी को बाहर फेंक दिया गया। हाइड्रोलिक बेड गायब है, ड्रेसिंग टेबल का महंगा मिरर गायब है। इसके अलावा बाथरूम को तोड़ दिया गया है, टोटी तक उखाड़ ली गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को पांच देश रत्न मार्ग ये बंगला आवंटित हुआ है। पहले इसमें तेजस्वी यादव रहते थे, तेजस्वी यादव ने इस बंगले को खाली किया है, लेकिन बंगला की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। कई जगहों से एसी गायब है और कई जगहों पर बाथरूम को भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ का अगर बाथरूम आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इसके जो नल है वो भी गायब है और इसके अलावे सीट को भी पूरी तरीके से इधर से उधर कर दिया गया है और इसके पाइप भी टूटे हुए हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। हमारे साथ दानिश इकबाल हैं। दानिश जी, यहाँ कई चीज़ों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई एसी भी गायब है। क्षतिग्रस्त ही नहीं बल्कि यहाँ से जब उस चीज़ों को उखाड़ के ले जाने की कोशिश की गई है जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हुआ है। मेन जो मकसद था कि कैसे यहाँ के सामानों को यहाँ से उठा करके अपनी संपत्ति समझ करके यहाँ से ले जाया जाए। हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे जो एयर कंडीशन थी वो नहीं है, काफ़ी जगह से यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। बेड के वॉल तो दिख रहे हैं लेकिन जो हाइड्रोलिक बेड था, मुझे यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि यह हाइड्रोलिक बेड था, उस हाइड्रोलिक बेड का पूरा बेस जो है वो गायब है। ड्रेसिंग टेबल का बेस तो है लेकिन उसका ऊपर का जो महंगा मिरर था वो गायब है। यहाँ पे जो है बैडमिंटन का कोर्ट बनवाया गया था, उस बैडमिंटन के कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है, वहाँ के एयर कंडीशन को ले जाया गया है, बाहर में जो फाउंटेन था उस फाउंटेन के लाइट्स को उखाड़ के ले जाया गया है। तो ये जो सरकारी संपत्ति है इसकी लूट की गई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ जो चेयर लगाए गए थे कर्मचारियों के लिए या एसी लगाए गए थे वो भी पूरी तरीके से यहाँ से उखाड़े गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव पर यह आरोप भी लगाया है कि जो करोड़ों की संपत्ति, सरकारी संपत्ति यहाँ थी उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ एक एसी लगी हुई थी और उस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वहाँ भी एसी लगाई गई थी। दोनों जगह से एसी को उखाड़ा गया है और यहाँ जो कुर्सी लगाए गए थे वो भी कुर्सी पूरी तरीके से गायब है। और यहाँ जो कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि बंगला खाली करते समय यहाँ से सामानों को ले जाया गया है और जो सामान यहाँ से नहीं जा पाए हैं, जो महंगे सामान, उसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सनी कुमार, जी मीडिया, पटना। और वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनाते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ऊंची राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित है। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है। और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया, ये कैसा राजनीति का संस्कार है।
तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम रहते हुए पांच देश रत्न आवास तेजस्वी यादव को मिला था, और अब तेजस्वी यादव जब इस बंगला को खाली कर चुके हैं तो उन पर कई आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि पांच देश रत्न मार्ग आवास में जो एसी लगे हुए थे उसको उखाड़ लिया गया, हाइड्रोलिक बेड को उखाड़ लिया गया, नए सोफों को साथ लेकर जाया गया और पुराने सोफे रख दिए गए, साथ ही बैडमिंटन कोर्ट को भी पूरी तरह से